ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। कच्छा तीवू द्वीप की कहानी पाक जल डमरू मध्य से जुड़ी है, जो हिंद महासागर के दक्षिणी छोर में भारत व श्रीलंका के मध्य बनता है। इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, साफ पानी मुश्किल से पहुंचता है। मछुआरे अक्सर अपना जाल सुखाने यहां आते हैं। 17वीं सदी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामनद की जमींदारी में आता था व यहां एक चर्च का निर्माण भी कराया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो यह द्वीप अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1921 में पहली बार इस द्वीप के हक को लेकर श्रीलंका व भारत में विवाद हुआ व ब्रिटिश सर्वे के उपरांत इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया गया, जबकि 1947 में सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इसे भारत का हिस्सा बताया गया, लेकिन श्रीलंका ने इस बात को नकार दिया। 1974 में दोनों देश इस द्वीप के प्रशासन को संभालते रहे, जो मुख्य रूप से मछुआरों द्वारा प्रयोग में लिया जाता था। 1974 में ही सीमा विवाद के समझौते को चलते भारत ने काचा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया व भारतीय मछुआरों को केवल द्वीप पर जाल सुखाने का अधिकार मिला। समझौते का एक कारण था इंदिरा गांधी व श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री बंडरा नाइक की दोस्ती। 1976 में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर समझौता हुआ, जिसके अनुरूप भारत के मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा पाएंगे। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने लिट्टे के दबाव में आकर काचा तीवू द्वीप पर पुनः अधिकार पाने का दस्तावेज पारित किया। 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद भारतीय मछुआरों के लिए काचा तीवू द्वीप पर गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। पिछले 20 वर्षों में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया व 1175 नौकाओं को भी हिरासत में लिया गया। पिछले 5 वर्षों में काचा तीवू द्वीप का मुद्दा भारतीय संसद में बार बार उठा है। इस द्वीप को भारत का वापस हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस मुद्दे को लेकर क्या विचार है और क्या काचा तीवू द्वीप भारत का हिस्सा बनना चाहिए।